आइए हम लोग परमेश्वर को उपासना आराधना करने से पहले थोड़े समय परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यशया नबी की किताब उसका 54 अध्याय जिसे आयो 54 पर्व यशया उसका 54 उसका 4 से लेकर के हम लोग 10 पद तक बारी बारी कर पढ़ेंगे। चार ही पौधरू 200 पद पर्यंत आम बारी बारी पढ़वा जिसाय 54 4-10 सबको मिला हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराए को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि यहोवा ने मुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन के दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां ढल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा हर्ष देवे हमारे मन को तैयार करे ताकि हम उसके योग उसको उपासना आराधना चढ़ा सके। जितना भी वचन हम लोग यहाँ पढ़े सब जगह हम लोग क्या पाते हैं कि ये वचन किसका है? यहोवा परमेश्वर का वचन है, हैं? परमेश्वरंकर वाक्य है, यही वाक्य कह रहा परमेश्वरंकर वाक्य परमेश्वर आम सहित कौन कहती कथा करते कथा हूँ वाक्य द्वारा जितने वाक्य पढ़ी था वाक्य द्वारा से आम सहित कथा हूँ आमको सांत्वना दिखती आमको आज्ञा दिखती आमको निर्देश वाक्य द्वारा दे था तो ये आम देखु प्रभु तांकर वाक्य द्वारा कहते मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। ना डर मत डर बोला भय करो नहीं आओ तुम्हारा जो आशा तुम्हार भांगीबो नहीं नहीं कि आओ तुम्हें घबरा मत घबरा हाँ उड़ियर क्या बोलते हैं विचलित हो नहीं कि विचलित हो नहीं। अनेक थर आम जीवन के परिस्थिति आसता विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसी जाए नहीं कि आम भयभीत हो जाओ नहीं कि आम डरी जाओ आम चिंतित हो जाओ कौन करवा नहीं कि जो गुरुबुड़ परिस्थिति बर्तन कौन गाँ लोक विरोध करमें ये आराधना करपर शांति करपर गोटे भय आसे ना कि हाई आमको रात आसिक मारिदेवे कि नहीं कि हाणीदेवे कि नहीं हो कि चिंता हो कि नहीं कि प्रभु कौन कर तुम्हें भय करना आम को जो आशा दिखाई तुमको जो कौन दिखाई आशा दिखाई से आशा तुम के भांग ना आमको कौन आशा दिखाई प्रभु आम सांगे सांगे रही माने से आम सांगे अच्छा आओ
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଗଟ ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଠିକି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶା ନାହିଁ, ମରିଲା ମାନେ ସବୁ ସରିଲା ନାହିଁ କି, ସେ କହନ୍ତି ନା, ଜଗତ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ଆସିକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତୁମ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ କେଉଁଠି ଯିବା, ହଁ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ କି। ସେଥିପାଇଁ ପଲ କୁହନ୍ତି ଜିନା ମସିହ ମରନା ମେରା କିଆ ଲାଭ, ମରିଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ନାହିଁ କି, ମରିଗଲେ ଆମର ଲାଭ କେଉଁଠି ଯିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ନା ସଂସାର ଚିନ୍ତା, ନା କ୍ଷତିବାଡ଼ି, ନା ଡ୍ୟୁଟି, ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ କି। ସେଇଠି ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାକିରି ନାହିଁ, କ୍ଷେତବାଡ଼ି ବିଲବର ହଳପଳ ନାହିଁ, ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ସଦା। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ ସଂସାର, ଆମେ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ପଦରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र और तेरा छुड़ाने वाला है। हाँ, तेरा करता, तेरा क्या है, पति है, है। जो स्त्री रो स्वामी ही सब कुछ नहीं कि, यदि जो कौन सी स्त्री रो स्वामी मरी जाए ताले कौन कौन ताको विधवा कौन ताप कितने दुख नहीं कि, किंतु हमार स्वामी किए, हमार स्वामी किए, ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର, ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ତୁମର କିଆ ପତି ହେ ଜିସିନେ ତୁମେ କିଆ କିଆ ଛୁଡ଼ା ଲିଆ। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରୁ, ଏଇ ପାପରୁ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ବର୍ଷରୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କି, ପରିତ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଘରର ଯେ ମୁରବୀ, ଘରର ଯେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଘରକୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ କି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତା ପିଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, କରେ କି ନାହିଁ କରେ, ଯେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମଦ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି, କି ଖାଇଲା ପିଲା ନ ଖାଇଲା କି ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାର ମଦ ପାଇଲେ ସରିଲା ନାହିଁ କି, ମନ୍ଦିରକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଘର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଘରର ମୁରବୀ, ଯିଏ ମାଲିକ ନାହିଁ କି, ସେ ଘର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି, ପିଲାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମର ଲାଳ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୈଁ ତୁମର ପତି, ତେରା ଛୁଡ଼ାନେ ୱାଲା, ଇସଲେ ତୁ ମତ ଡର। ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜିରିମିଅ ଆଉ ତିନି ପର୍ବ ଚଉଦ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। तीन तो चौदह भटकने वाले लड़को लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे ଉପସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଟକ ନେବାଲୋ ଲଡ଼କୋ, ଲୌଟ ଆଓ, ଲୌଟ ଆଓ, କ୍ୟୁକି ମୈ ତୁମର କ୍ୟା ହୁଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ିକି, ହଉଛି କି ନାହିଁ, ନାହିଁ ସଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଅ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏ ସଂସାର ତ ଶୈତାନର ବସି ଭିତରେ ଅଛି ନାହିଁ କି, ସଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପଳେଇବା ତାର କୁଆଡ଼େ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ହଁ ଶୈତାନ ଜଗି ବସିଛି, ଫେର ତାର ଜାଲରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଫସେଇ ଦେବ ନାହିଁ କି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ
लड़के ए भटकने वाले लड़को लौटा मो पक फेरी आसो आओ कौन बुझी क्योंकि मैं तुम्हारे क्या हूँ स्वामी मैं तुम्हारे स्वामी मु तुम्हारे स्वामी मो पक तुम फेरी आसो तुम कड़े जाऊ मत छाड़ी तुम जीव कड़े शैतान सियाड़े जगी बस तुमको बांधि नब से सीधा नर्क को तुमको नहीं जीव किंतु मु तुमको कौन कर सियोन तुम्हारे तुम्हारे नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल के दो को लेकर के सियोन में पहुंचा दूंगा। सियोन कहले परमेश्वर नगरी को बुझाए सियोन कहले मंडली को बुझाए सियोन कहले परमेश्वर लोक मान समूह को बुझाए परमेश्वर घर को बुझाए प्रभु कहते मु तुमको सीठी नहीं तेल कौटी जीवा संसार को जीवा ना सियोन को जीवा सियोन की जो परमेश्वर कर उपस्थित प्रभु कहते मु तुमको सीठी नहीं जी मु तुम स्वामी मु तुमपे चिंता कर यहपर स्वामी आम से आम पर चिंता कर दिन आमको सियोन को लेकिन जी के अद्भुत विचार परमेश्वर कर चार एक पद पढ़ा से जिरमे चार एक पद आवारा फिरना ना पड़ेगा तो अगर लौट आएगा तो तुमको आवारा फिरना नहीं पड़ेगा लौट आए और क्या करे घिनौने वस्तुओं को मेरे सामने से क्या करे बोला दूर करे घिनौने वस्तु घिनौने वस्तु कहले कौन पाप अधर्म बुराई नहीं पाप अधर्म बुराई ये सब क्या घिनौने वस्तु इसको तुम दूर करो बोलता है मेरे पास आ जाओ सबको दूर करो और तब मैं तुम्हें क्या करूँगा बोलता है क्या करूँगा आवारा फिर तुमको नहीं पड़ेगा आवारा कुत्ता का देखते ना पोसला कुत्ता आवारा कुत्ता भीतर अंतर अच्छी कि नहीं पोसला कुत्ता को देखते ऑफिसर मैंने के बुणिया गधे गधे कि साबुन नहीं कि कार मत बुलूँ नहीं कि आवारा कुत्ता इड़े सियाड़े बुलूँ के टेका मारूँ किए पथर मारूँ नहीं कि कौट मिलला तो खाला ना तो नहीं प्रभु कौन कौन तुम्हें मैं आवारा नहीं छोड़ूंगा से आवारा कुत्ता पर जगत बुलवा ना है कि नहीं प्रभु आम गृह को नहीं जी सीओन को नहीं जी एपरी से आम स्वामी एपरी आम से प्रभु अटंती से प्रभु को आम धन्यवाद करवा प्रशंसा करवा जी आम चिंता करती नहीं जी आम लाल पालन करते दे जी आम देखरेख करते मैं तुम्हें आवारा नहीं छोड़ूंगा कह आवारा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और यार 14 पद को मत पढ़ दो क्या कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहता है मन भीतर विभिन्न प्रकार चिंता आसी था नहीं मोर कौन हम मेरा पिला कौन हम नहीं ये सब चिंता तुम जो करुच तुम कौन व्यर्थ चिंता कर सब चिंता छाड़ सब चिंता कौन कर प्रभु छाड़ दे मो पाखे तुम्हें फेरी आस से आम पर चिंता करते आम चिंता कर किसी बदली पार कि किसी चिंता कर तुम चिंता कहीं कर समस्त चिंतार भार मो पाक दि आो पाक तुम कौन फेरी आस आम निजर हृदय को तुम परिष्कार कर आपरी कले मु तुम मानू से सीओन को लेकिन जीवि जोटी सदा प्रभु परमेश्वर आम मान कौन कर जगह तैयार कर आमर एकमात्र त्राणकर्ता सदा प्रभु परमेश्वर अटंती आ गोटे पद पढ़ा जिकिरियो जिकिरियो आ 14 पर्व जिकिरी 14 पर्व 19 पद पढ़िया नौ पद जिक्री है 14 नौ पद सही दिन रे कौन हम कौन लेखा समस्त पृथ्वी कौन हम
राजा हव आ कौन हव हाँ से दिन से एक मात्र सदाप्रभु परमेश्वर रहिबे आओ तांकरी नाम उच्चारण कराब आओ द्वितीय कही रहिबे जोठी आमे जोठी आमको प्रभु नेक जिबे ना सेठी सदाप्रभु परमेश्वर आम मानन को पाई कौन करबे एक नगर जो हम तैयार करते मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ नया यरूशलेम बना रहा हूँ नहीं स्वर्गीय यरूशलेम सेठी एकमात्र से राजा ही रहिबे आओ के द्वितीय के रहिबे हम के द्वितीय रहिबे आओ सेठी सदा प्रभु परमेश्वरंकर साथी रे आमे रहिबा हम केते महान परमेश्वर आम मन को पई योजना करछो आमे टिके शरीर रे परिवार रे पीड़ा हेले माने आमे चिंता कर देव कौन होबो मोर पिलाम काम कौन होबो अरे सब चिंता मो पर दियो सब चिंतार भार मो पर दियो मु तुम पाई मानन को पाई व्यवस्था कर छी तमानन को तैयार कर देने मु सही नगर को नहीं आओ सेठी गुट्टी मात्र राजा रे बसे के सदा प्रभु परमेश्वर तांकर ही केवल ना हो आओ भार ना हो ना आओ एपरी राजांकर राज्य रे माने रहिबा सेठी पाई सेठी दिशायो 54 रो 5 पद रे आमे पढु छी तेरा करता तेरा पति है उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है वह सारी पृथ्वी का अभी क्या है वो परमेश्वर है सारी पृथ्वी का वही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है दूत के नाम से एकमात्र से ही परमेश्वर अटंती सेथिपाई से ही सदा प्रभु परमेश्वर को आम कौन कर धन्यवाद करवा प्रशंसा करवा सी आमर स्वामी सी आमर राजा सी आमर परमेश्वर अटंती आ गोटे पद पढ़वा ए जिसाय 62 अध्याय 4 पद को पढ़वा 62 अध्याय 4 पद को पढ़िया परंतु तू क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को बिहार लेता है वैसे ही तेरे पुत्र तुझे बिहार लेंगे और जैसे दुल्हन अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है तेरा परमेश्वर तेरे कारण क्या होगा हर्षित सदाप्रभु परमेश्वर आम पाई कौन है खुशी हे कौन लिखा चार पद रे तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि पर उपज और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी परंतु तू हेप्सिबा हेप्सिबा कहले कौन लिखा सुहागिन हेप्सिबार अर्थ कौन सुहागिन सुहागिन माने जार स्वामी अच्छी जो स्त्री स्वामी ताको सुहागिन कहते आज स्त्री स्वामी ना कौन कहते विधवा कहते तू फिर कभी विधवा नहीं रही क्या रहेगी तुम हेप्सिबा माने सुहागिन कहीं ना अमर स्वामी के अमर स्वामी के अमर स्वामी के सदाप्रभु परमेश्वर अमर स्वामी तुम फिर विधवा नहीं कहलाएगी आमे एक कथा पढ़ते कि नहीं चार शेष भाग पढ़ते ना और अपने विधवापन के नाम धरे फिर स्मरण ना करोगे आम ये जगत रे कौन थे ये जगत रे हजी जाइ आमर कौन से स्वामी ना नहीं परिस्थिति आम अफिश पढ़ ना तुम जगत में आशा रही थी ईश्वर रही थी कौन जगत में तुम आशा रही थे ईश्वर रही थे कोई स्वामी नहीं कोई प्रभु नहीं ଏହିପରି ଦଶା ଆମର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଫିର୍ କିଆ ହଗା ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦା ସେ ବାସଠିକୁ ବାସଠ ଚାରକୁ ତୁମ ଫିର୍ ତ୍ୟାଗୀ ହୁଇ ନା କହିଲା କି ଆଉ ଉଜଡ଼ି ହୁଇ ନା ହୋଇ ଆଉ ତୁ ହେପ୍ସିବା और तेरी भूमि क्या होगा ब्यूला कहलाएगा ब्यूला कहलाएगा तेरा भूमि और एक चीज़ में देखु
हे शिवा मान सदा सुहागिन हैं प्रभु आम मानक यहीपरी ऐसी सदा प्रभु सांगे आम कौन है सदा सर्वदा आनंदित होगा से आमको यही जगत रु जगत रसारिक बंधन रु मुकड़े कर आनीपाई से कहते मुमको छाड़ी मुमको छाड़ी ना सदा सर्वदा तुमको आओ दिन तुमको तैयारी कर ठिया कर तुमको सदा सर्वदा तुम सुहागिन नहीं कि रही ना कि पुनर्वासवा से चौवन अध्याय पढ़िया आम छः पद को यहा ने तुझे ऐसा बुलाया है माना तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी के त्यागी हुई स्त्री हो तेरे परमेश्वर का यही वचन है। एक कथा जितना पढ़ो आम निजे निजे विषय टी चिंता करवा यहा ने तुझे ऐसे बुलाया माना तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी जिते प्रभु को आम पाइन जो उधार आम पाइन आम अवस्था कम थी क्या आम खुशी थी कौन आम शांति थी हाँ आमर व्यक्तिगत जीवन रे आमर पारिवारिक जीवन रे उधार न पाइबा पूर्वर कौन जीवन थी आधार पाइला आज आम कौन अच्छे प्रभु आमको केमी आम जीवन को बदली से आनंद से शांति आमको भर दे कथा कौन आज आम निजे जानी पारुछु से अनुभव करी पारुछु कि आम प्रकृति जो उधार पाई से माने एक कथा को अनुभव कर हाँ विगत दिन में प्रभु जानी नी प्रभु को उधार पाई नी मो जीवन सेमती आनंद ना सेमती खुशी जीवन ना हाँ सांसारिक खुश थी सांसारिक आनंद थी मत नहीं कितु परमेश्वर से आनंद परमेश्वर से शांति पाइन से प्रभु कहते कौन तमें कौन थी राजी ऐसे बुलाया तुम क्या छोड़ी हुई मन की दुखिया और जवानी की त्यागी स्त्री हो यहीपरी आम अवस्था थी सत जमी आमको किए छाड़ी दी आमर कहीं ना आमर आशा भरसा कहीं ना नहीं आमर कौन हम यही सब चिंता कितु सदापुर जो आमको परिधारण करदे उधार कले आम जीवन को बदले से निजे आमको कौन कहते मु तुमको छाड़ी मु तुम स्वामी तुमको सीवन को लेकिन जी से भरसा आज आमर अच्छी आ भरसा आमको कौन कर आनंदित रहा आमको प्रेरणा दिखती आमको आनंदित दिखती आमको शांति मत दिखती आईपरी भाव जमी लिखाई ऐसी बुला और मन की दुखिया मनरे दुख जो भरी रही से दुख सब कौन कर दूरे मन रु दुख से दूरे आमर से प्रभु होती आई से कौन कहते सात पद छाण भर के लिए मैं तुझे क्या क्या था छोड़ दिया था पर अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा जिते बड़े आम उधार पाई नु परिचालन पाई नु प्रभु कौन से समय मुझे तुमको कौन कर छाड़ी दे तुमको मुझे छाड़ दे किंतु बर्तमान तुमको छाड़बी ना इसराइल को विषय लिखाई आओ यही कथा आज आम मानक मन जीवन में लागू हुए इसराइल मन को परमेश्वर जिते इसराइल मैंने पाप कले जिते इसराइल क्या इसराइल मैंने परमेश्वर क्या मानले ना हाँ परमेश्वर इसराइल को छाड़ी इसराइली मैंने होंगे परमेश्वर मनोनीत जाति हेले से परमेश्वर कथा न मानवा द्वारा इसराइली मानू परमेश्वर छाड़ी थे आसराइल मैंने जिते बड़े कौन ले विपत्ति पड़ा दुख आसला से समय परमेश्वर को आड़ सब फेरिले से प्रकृत कहते हैं अल्प समय पर मुझे तुमको कौन करी छाड़ी थी कितु एवं छाड़ी से आमको दिन प्रभु छाड़ी थे से आम प्रभु को आम जान नु श्वेतान वशवर्ती श्वेतान कथा मानु श्वेतान आम सेवा करूँ नहीं आम सन्तुष्ट करमेश्वर से दूर होगा फल
ଆମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିରେ ନା ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, ନା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଷାଠିଏ ପର୍ବ ବିଷୟ ଷାଠିଏ ପର୍ବ ଦଶ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। परदेशी लोग तेरी सेवना को खाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, तो अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। क्रोध में आकर तुझे क्या क्या था, दुख दिया था। कथा न मान लेके रागे कि नहीं रागे, माँ बापा पिला मान जो कथा न मान रागे कि नहीं रागले कौन करते, रागले कौन करते, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ତ ବାପା ତ ରାଗିବେ ନା, ରାଗିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହଁ ଆରେ ଚାପୁଡ଼ି ଲଗେଇବ କି ନାହିଁ, ହଁ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହଁ କେତେ କ'ଣ ମାରିଦିଅନ୍ତି କି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ, ନାଇଁ କି ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଟିକେ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନାଇଁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ନାଇଁ କି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଥା ନ ମାନିଲ କ୍ୟା କଲେ, କ୍ରୋଧ ମେ ଆକା ତୁଝେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଥା, କ୍ୟା କ୍ୟା ଥା, ଦୁଃଖ ଦିଆ ଥା, ଦୁଃଖ ଦିଆ ଥା, ପର ଆବ ହଁ ତୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋକର ତୁଷ୍ପର କ୍ୟା କି ହେ ଦୟା କି, ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ବସିବିତ ହେଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ବସିବିତ ଥିଲୁ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା ଆମ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ନାଇଁ କି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ଏଣୁକରି ତୁମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି। ହଁ, ଦିନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯାହ ସଂସାର ବୁଲ ମସ୍ତି କର, ନାଇଁ କି। ହଁ, କେତେ ଦିନ ବୁଲିବ, କେତେ ଦିନ ମସ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ, ଦିନେ ଦିଏ ତୁମ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ, ନାଇଁ କି। ଆଉ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଫେରେଇ ଆଣିଲେ ଆମକୁ, ନାଇଁ କି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ'ଣ କଲି, କଷ୍ଟ ଦେଲି, ନାଇଁ କି, ଦୁଃଖ ଦେଲି, ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟା କରୁଛି, ଦୟା କରିବି। ଆଉ ସେଇ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଯିଶାୟ ଛପନ ପର୍ବ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଠ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ଦୟା ଦେଖିବେ ତାହା ନୁହେଁ, କ'ଣ ଲେଖାଛି, କେବଳ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ନାଇଁ କି। ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ଭାଗିଦାର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗରେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି, ଉନ୍କେ ସାଥ ଆଉରଙ୍କୁ ବି ଇକଠା କରକେ ମିଲା ଦେ। ସେ ଆଉରଙ୍ଗ ବୋଲେ କିଏ, ଓ ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ହେ, ହମ ଲୋକ ହେ, ଆଣ୍ଡ ଜାତି ଲୋକ, ହମ ଲୋକକୁ ବି ମିଲା ଦିଅ, ଉସମେ ଓ ଝୁଣ ମେ ମିଲା ଦେ, କ'ଣ ସା ଝୁଣ ମେ, ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ମେ, ହମ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଥେ କ୍ୟା, ପରମେଶ୍ୱର ଚୁନାବ ଲୋକ ଥିଲେ, ହମ ଲୋକ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି, ଇସ୍ରାଏଲି ଜାତି ଆମେ ନଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଲୋକ, ନାଇଁ କି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ମିଶେଇଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚନୀଚ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ, କିଏ ଉରାଓ, କିଏ ଉଡ଼ାଓ, କିଏ ଖଡ଼ିଆ, କିଏ ମୁଣ୍ଡା, ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଏକ କରିଦେଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିବି, ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବି, ଆଉ ସେ ସମ୍ମିଳିତ ଆମକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା କଥା, ନାଇଁ କି, କେତେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା,
ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୂରେଇ ଥିଲି, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଥିଲି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ଗୃହକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣିଲ, ମୋତେ ତୁମର ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲ, ମୋତେ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଦିନେ ମୋତେ ସେ ସିଓନକୁ ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ, ତା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଠ ପଦ ପଢ଼ିବା, 54 ଆଠ ପଦ। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन। किसका वचन है? हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा का वचन है। कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, कौन से लोक एटा कथा कहूँ कि जी आमको छुड़े से सदाप्रभु परमेश्वर ही कहते जे कौन क्रोध में झरखे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर क्या करूँगा? दया करूँगा। आसे दया आम पर कर नहीं कि से लुचे नहीं थे मुँह, आम प्रार्थना करूँ आम प्रार्थना शुणुन कहीं आम मैंने विरुद्ध में पाप करूँ कथा मानु दूरी जाऊ से मुझसे मुँह लुचे दे आम कथा जमा से शुणु ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜିରେମିଆ ଆଉ 31 ପର୍ବ, ଜିରେମିଆ 31 ପର୍ବ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା। मैंने तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। जेते आम से आम पाई से मुँह लुचेकी रखी थी हेले मध्ये से आम प्रति तांकर कौन थिला? प्रेम थिला, प्रेम थिला, से प्रेम थिला बोली तो से आमको डाकले ना। प्रेम जदि नथांता से आमको बची थांदे कि नाही कौन लगा जी? यहोवा ने मुझसे दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे क्या लगा? सदा सदा प्रेम रखता आया हूँ, सब बेले तुमको से प्रेम करी आसुची। जो तुम दंड दौर हेले मोर प्रेम तुम प्रति थिला, किंतु मु चाहूँगी जे तुम्हें कौन करो मो पाक फेरी आस। आओ जो तुम फेरी आसल मुमको कौन कली ग्रहण कली ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁ ସେ ସଦା ପ୍ରେମ କର୍ତ୍ତା ଆୟା ହୁଁ ଇସ୍ କାରଣ ମୁଁ ତୁଝ ପର ଅପନି କରୁଣା ବନା କେ ରଖି। ତାଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କର ଦୟା ଅପରମ୍ପାର ଅସୀମିତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ତୁଳନାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପରି ସେ ଦୟା ପରମେଶ୍ୱର, ଏପରି ସେ ଦୟାଳୁ ପରେ, ସେପରି ସେ କରୁଣା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଦୟା ତାଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ, ଜୀବିତ ଅଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିପାରୁଛୁ। ସେହି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ନଅ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଫିର କଭି କ୍ରୋଧ ନାଇ କରୁଙ୍ଗା କି ଧମକି ଭି ନାଇ ଦଉଙ୍ଗା। ନୂର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଖିଲାପ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା କିଏ? ନୁଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମାନୁଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦର କରୁଥିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନୁଁକୁ, ଏ ନୁଁ ତୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କର, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନେ ପାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜଳ ପ୍ରଳୟ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କର କାଠର,
आओ सही जहाज तुम परिवार आओ जिते जीवजंतु पृथ्वी अच्छा स्थल भाग जल चल पा तो जल रही है ना कि स्थल जो जिते पृथ्वी अच्छा समस्त को दुई दीटा जड़े कौन पुरुष जड़े स्त्री कौन कर नार और मादा समस्त को आणव आओ से जहाज रख जो मैंने शुद्ध शुद्ध पकड़ थे से सात सतटा नहीं कि तुम्हें रख जहाज तैयारी कर जहाज तैयारी कर लोक पचारे कौन पर कौन हम से थट्टा कले अरे कौन वर्षा हम ये जहाज तैयारी कर कहूला कि देख तुम्हें आज मत समय अच्छी तुम्हें मन फेरा पृथ्वी यही जगत को नष्ट करने जा जगत को नष्ट पृथ्वी पापर परिपूर्ण होतीपाई सदा प्रभु परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने जा तुम मन फेर ताहले बचीज मुझे जहाज तैयारी करुच्ची आज जो मैंने जहाज आसबे से कौन है बचीज कितु कहीं लोक शुणिले थट्टा कले ए बुढ़ा लोक तर मुंड खराब हो कौन जहाज तैयारी कौटी वर्षा हम जाए डा चल नहीं कि थट्टा कले जो जहाज तैयारी होगा नूर परिवार समस्ते भितर पशिकले खाद्य सामग्री जिते जहाँ दरकार सब सब भितर पुरे देले नहीं कि जीवजंतु को परमेश्वर आदेश देले समस्ते गोटे धाड़ी आसते समस्त जहाज में पशिकले समस्त अलग अलग रूम कराई गठरी कराई समस्त को रखीदे तापर कौन है वर्षा है कत वर्षा है चालीस दिन चालीस आम तो दिन दिन वर्षा है नई सुना नदी कौन जाए बनिया है जाए मूसलधार वर्षा अनर्गल वर्षा नहीं चालीस दिन चाल आलु मत पा कहला बाहर ला पा चार भरतेगला हाड़ जोड़ा जो पा भर लोक कौटी जी दौड़ी पहाड़ को चढ़ ना ये जो किसको हिलटप कहते ना हिलटप को हिलटप जी बुड़ी जाए अरे चल पड़वा हिलटप को पड़ा ना कि हिलटप जो बुड़ी जाए कौन कर सेमती से समय लोक मान से गल कले हाँ देखले जे चार बनिया पूरा बुड़ी जा घर द्वार घर के छात पर चढ़ा छात बुड़ी गला ना कि तो गचरे चढ़ डाल रखे थोड़ी लटक बस देख ला कौन है गच ही बुड़ी गला कौन कर पहाड़ को दौड़े ना कि देख ला कौन है पहाड़ मत माड़ी आसला कौन है पहाड़ भी कौन है बुड़ी गला सब लोग बुड़ी गले कई बचले ना ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମନେ ପକେଇଲେ ଆରେ ସେ ନୂ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନୂ ଆଉ ତା ପରିବାର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପବନ ବହିଲା ହଁ ପାଣି ଶୁଖିଲା ହଁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ହେଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ନୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଦୀ ତିଆରି କଲା ସେଥିରେ ବଳିଦାନ ପ୍ରଥା ଥିଲା ନା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ପଶୁ ଆଣିକିରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳିଦାନ କଲେ ଆଉ ସେ ବଳିଦାନ ପାଇକି ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନାହିଁ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଠ ପର୍ବ ଏକୋଇଶ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏକୋଇଶ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆଠ ରୁ ଏକୋଇଶ ପଦ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ମାରିବି ନାହିଁ କି ଏ ଭୂମିକୁ ଶ୍ରାପ ଦେବି है ना कि कहले सदा प्रभु परमेश्वर कहले और नौ रो एगार को मत पढ़ दो और मैं तुम्हारे साथ अपने ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा हाँ ये पूरी जल प्रवाह आओ हबो नहीं मुझे उसे तो बाचा बांधती नहीं ऐसे नहीं होगा ये पूरी है पे देवी नहीं ପୃଥିବୀକୁ ଏପରି ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ଆମେ ଏଇଠି ଯିଶାୟ ଚବନ ପର୍ବ ଆଉ ଆମେ ନଅ ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ
प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा, फिर तुझे मैं क्रोध नहीं करूंगा। जेपरी नूह के समय नूह को कही थी, कौन कही थी, पृथ्वी को एपरी आओ, पृथ्वी के एपरी आओ श्राप देवी नहीं, कि जल प्रलावन करके मुझे ध्वंस करी नहीं। से आज आम को कौन का कौन आम मान कौन प्रभु लोक मान कौन 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 फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा, ना तुझको धमकी दूंगा। के कहते कहते तुमको रागी भी नहीं कि तुमको धमकी मध्य देवी ना, चाहे पहाड़ कट जाए हाँ। और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी, क्योंकि मैं तुझ पर दया करता हूँ उसका यही वचन है। यही सदा प्रभु परमेश्वर ये वाक्य अटे जे मु तुमको रागिबी नहीं कि धमकी देवी नहीं, यहाँ सदा सर्वदा परमेश्वर वाक्य। पहाड़ हटिजी पहाड़िया घुंची किंतु ये वाक्य के ढल जहाँ प्रभु कहते पूरा हम से रागिबे नहीं मान रागिबे नहीं, धमकी देवे नहीं मान धमकी देवे ना, आमको दंड देवी नहीं कहते मैंने देवे देवे ना। कार वाक्य हार वाक्य सदा प्रभु परमेश्वर वाक्य से कहते दंड देवार अधिकार कहार कहार सदा प्रभु जे दंड देवार लोक से निजे कौन जे दंड देवार परमेश्वर से कहते जे मु तुमको रागिबी ना कि धमकी देवी ना। सदा प्रभु परमेश्वर आम मान कौन उधार पाई से आम भयभीत होगा कहीं चिंता करवा कहीं से पु कहे तुम भय कर ना कि चिंता कर ना कि विचलित हो ना, मु तुम स्वामी मु तुमको उद्धार कर छुटकारा दे कि मु तुमको सियोन को लेकिन जी मुझे से जगत तुमको तैयारी करती मंडली को लेकिन आसी वाक्य द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा तुमको कौन कर प्रस्तुत करमको तैयारी करेंगे आईटी गोटे राजा हम आ सी राजा किए से सदाप्रभु परमेश्वर ही राजा हम आओ से गुटे ना ही निजी आ द्वितीय ना आसा किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताकि ना उच्चारण कर प्रभु आम मान सब प्रतिज्ञा देखते आम से सदा प्रभु परमेश्वर को आम प्रशंसा कर स्तुति करम शांतिदायक परमेश्वर ही आम सत्य ईश्वर अटंती जे आमको धमकी देवे ना कहते हैं एकावन छ पद पढ़िया एकावन छ पद आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी पर निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुराने हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा, मेरे धर्म का अंत ना रहेगा, अंत ना होगा। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखो, लेकर आकाश को आके देखो अनेक देखो आकाश को कौन लिखा है धुएं के समान क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा है ना। ये आकाश रे देखु छु रात रे केते सूर्य केते तारागण चंद्रमा देखु छु नहीं दिन बेले सूर्य को देखु छु आकाश नहीं कि कौन लगा लिखा है धुएं के समान क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा किछि रहिबो नहीं ये आकाश रहिबो नहीं सूर्य चंद्र तारागण किछि रहिबो नहीं। आ कौन लिखा है पृथ्वी कपड़े के समान पुराने हो जाएगी, ए पृथ्वी पुराना कपड़ा से कौन है जीवो मोड़ा है जीवो नहीं कि आओ कौन लिखा है और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, आओ से थी रोहत वाले लोग को माने कौन है कहीं रही बने सब जाते रहें कहीं रही बने पृथ्वी में तो सब ध्वंस ही पाई जो ए पृथ्वी रही बने आकाश रही बने सूर्य चंद्र किसी रही बने हाँ। वो सर्वदा ठहरेगा किंतु
जो परित्राण से करिबे से कौन हम सदा सर्वदा रहा एणुक आम मान जीवन जो परित्राण प्रभु कर जो उधार देते केते दिन पर सदा सर्वदा रखाई सदा सर्वदा रेबे लोप पाइब ना ये पृथ्वी लोप होपे आकाश लोप होपे धुआं के पूरी उड़ी जाई पारे नहीं कि किंतु जो परित्राण प्रभु आमको जो उधार आमको केबे लोप पाइब ना सदा सर्वदा रहिबो आम मानक जीवन जो प्रभु कार्य कर गोटे दिन पर ना कि गोटे वर्ष पर ना कि दस वर्ष ना शहे वर्ष पर कौन लिखा सदा 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 सर्वदा रही कितने से महान परमेश्वर के महान प्रतिज्ञा केबे आम ये विषय चिंता कर कल्पना करूँ आकाश को देखला बेलते सुंदर देखा जाए रात नहीं कि जन राति नहीं कि तारा देखला बेलते सुंदर लगे नहीं कि कते बती जल्ला नहीं कि थोड़े आस्ते मुझे बारम्बार से कथा कहे नहीं बलांगीर सैड आम जो स्टाफ रहाघर है हिलटप थी आउ टे उचा थी ए कमीगला है आगे उचा थी है राति लाइट जलुच गाँव रु आ बरजात्री आसे बोती देखी ना लाइट देखी ना कि से पहाड़ को देखी कह देख भी कते तले तरा उड़ी मैंने के पाखे कौन बाहर मान तारा आगे देखा जा पाठुआ पिला तरा नुहे यहाँ बोती जुलूचे बोती जुलूच बोती जुलू तो एमती कथा ना कि तो जा हो आम जो तारा को देखू कौन देखा जाए के सुंदर देखा जाए ना कि रहा सब लोप पाइज पृथ्वी सबकि उड़ीज कि रहा किंतु जो परित्राण प्रभु आमको दे सदा सर्वदा रमको जो आशा दे प्रथम जो पढ़ले आम कौन पढ़ले आम वह आशा ना टूटेगी तुम्हारे अंदर जो उद्धार का काम परमेश्वर ने किया है वो कभी नहीं टूटेगा सदा सर्वदा रहेगा तासे तो कौन पढ़ लिया हमें नहीं इसराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा इक्यावन 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 के पढ़ बोले जो उधार मैं करूंगा वो सदा सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हाँ, मेरे धर्म का अंत ना होगा धर्म रो शेष हम ना शेष हम ना नहीं तार कौन सी शेष ना कौन सी जिनस आम कि कौन लिखाई था एक्सपायर डेट था कि नए किंतु परमेश्वर जी परिचालन एक्सपायर डेट ना आम जो जिनस कि कौन देखु एतक तारीख या कि नहीं मेडिसीन कि कौन एतक तारीख या तार एक्सपायर डेट एतक दिया खाऊनी तार डेट एक्सपायर हो कहते ना परित्राण एक्सपायर डेट ना मेरा धर्म का क्या लिखा अंत नहीं होगा कितनी सुंदर प्रभु कहापर कहते कहापी कहते आम मानी कहते से सदा प्रभु परमेश्वर को आम धन्यवाद कर प्रशंसा करवा आमर प्रभु से कार्य अद्भुत आम चिंता कले कलना करवल आम प्रशंसा कर हाँ प्रभु तुम केड़े महान प्रभु मो जगत में कौन थी प्रभु मोर अस्तित्व कौन थी कि आज मत से उधार दे बरदान दे मत आशा दे कि बारंबार वाक्य द्वारा मत कथ कौ भय कर ना जो प्रतिज्ञा मुझे करके भूल भी नहीं कौ प्रभु तुम्हें के महान हाँ अल्प समय पर मत तुम छाड़ दे मो जीवन कष्ट आसला कि पुनर्वार मत तुम डाकिल पुनर्वार मत संखल ना कि तुम से प्रभुता अधीन तुमको आणिल मंडली को आणिल आ मत तुम वाक्य द्वारा तुम आत्मा द्वारा मत शिक्षा दौ धन्यवाद दे तुम्हें मो साथी अच प्रभु कितने महान से परमेश्वर तुम्हें एकमात्र प्रशंसा गौरव भाग्य पाइबा योग्य प्रभु से प्रभु मुझको धन्यवाद दिए मुझे प्रशंसा कै आ गोटे पद पढ़ा गीत संहिता आनानबे
ଗୀତ ସହିତ 99 89 33 ପଦ ପଢିବା। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से नाम हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। कौन लिखा है जी? परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। के भई परे जी आप सदाप्रभु पर मिथ्या ही परवे की नहीं केबे हेले घुंचे भी नहीं कोछी मु मिथ्या केबे भी नहीं कोछंदे से होछंदे सत्य ईश्वर केबे से मिच्छो कहंती नहीं सत्य ईश्वर अटंती केवे घुंचेनि कहते मैं अपनी बाचा नहीं तोड़ूंगा। जो प्रतिज्ञा करवे भांगे ना जो प्रतिज्ञा जो वाक्य आम पढ़ले ना पूरा करेंगे से दिन पूरा करेंगे सीओन को से नहीं किसी आम तक उपस्थित दिन रहा प्रशंसा कर गौरव करवा चिरकाल सहित रहा है उसका धर्म का अंत कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा है कि एक्सपायर डेट नहीं एक ही साल रही तापरे छाड़ दो नहीं उसका धर्म का अंत नहीं से परित्राण प्रभु हमको देखते से कहते मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। चारि पद लिखा है ये 34 पद लिखा है मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुख से निकल चुका है उसे मैं ना बदलूंगा के से कथा बदले हुए तो आमे कथा बदले दो ना भाई आई पार हाँ कही कि इना मुझे कही दे कौन से आम का प्रतिज्ञा कर लोक जी आस कौन कहते ना भाई हो पार भाई तुम्हें कही परा हाँ कही कि कौन करवा असुविधा अच्छी आई पार नहीं कही कि नहीं कह कि प्रभु कौन कि प्रभु कौन कि बदले कौन कौन कह मैं नहीं बदलूंगा। जो वचन दे दिया जो प्रतिज्ञा कर दिया उसको मैं बदलूंगा नहीं पूरा करूंगा। एण कर आसतु से सदा प्रभु परमेश्वर को आम धन्यवाद करवा जे आमको मनोनीत करे आमको प्रदान जे आमको छुटकार से ही एकमात्र स्तुति प्रशंसा महिमा आदर आ गौरव भाग्य पाइबार यज्ञ परमेश्वर आसतु आम छोट छोट सब द्वारा जो प्रभु आमको अनुभव देखते धन्यवाद कर प्रशंसा करवा स्तुति के योग्य धोनी प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के योग्य धोनी प्रभु तेरा नाम मधुर से भी मधुर अदा करें।